राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला एक वीडियो में, जो क्वेश्चन आंसर सेशन वाली वीडियो थी। तो क्वेश्चन आंसर सेशन वाली वीडियो में आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, तो इसी का मैं अब पार्ट 8वां बनाने जा रही हूँ। मतलब मैं देखो रहे हो आप लैपटॉप लेके बैठी हूँ, लैपटॉप से आप लोगों के क्वेश्चन लेने वाली हूँ और उस क्वेश्चन के यथा बुद्धि अनुसार, अपनी बुद्धिमता के अनुसार आप सभी को क्वेश्चनों के आंसर देने वाली हूँ। मैं लगभग लगभग आपके सारे ही क्वेश्चन ले लूंगी और उसके आपको अपनी बुद्धिमता के अनुसार आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले केशव शर्मा जी का एक मैसेज है, उन्होंने मुझसे पूछा है, राधे राधे मैम, हमें किशन जी का नाम जप किस माला से करना चाहिए, प्लीज बताइए। तो किशन जी का नाम जप करने के लिए सबसे सर्वोत्तम माला जो होती है वो तुलसी की माला होती है, गले में पहनने वाली तुलसी की माला नहीं, नाम जप करने वाली तुलसी की माला भी होती है। और नाम जप करने वाली तुलसी की माला से ही आपको किशन जी का नाम जप करना चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारी मालाएं होती है, लेकिन रुद्राक्ष की माला को छोड़कर आप किसी भी माला से नाम जप कर सकते हो। श्री कृष्ण जी का नाम रुद्राक्ष की माला से नहीं जपना चाहिए, बाकी आप किसी भी माला से नाम जप सकते हो। राधे कृष्णा जी का मैसेज है, दीदी मैं लड्डू गोपाल लाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, उनके साथ बहुत काम पूजा होती है, क्या करूँ? मेरे दो बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 1 साल का, तब भी मेरा मन है कि मैं लड्डू गोपाल को लेके आऊँ। अगर आपका मन है लड्डू गोपाल को लेके आने का, तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग जरूर लेके आओ लड्डू गोपाल, मना मत करो, सेवा वो खुद ही मांग लेंगे। भाई अगर मान लो आपके दो बच्चे हैं, आप उनकी भी तो सेवा कर रहे हो, तो आपके 3 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आप क्या तीनों बच्चों में भेदभाव करोगे? नहीं। और ज्यादा सेवा नहीं होती है, जैसे कि इस समय पर मैं वीडियो बना रही हूँ, आज एकादशी का व्रत भी है मेरा और आज के दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ, और लड्डू गोपाल मेरे आराम से बैठे हैं, उनको मैंने भोग लगा दिया था, खाना खिला दिया था, और मतलब खाना क्या, आज तो एकादशी है तो उनको मैंने भोग लगा दिया था, उनका फिर वो भोग मैंने खा लिया था, वो आराम से बैठे हैं, सुबह स्नान करा दिया मैंने, ज्यादा सेवा नहीं। हाँ सेवा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा सेवा नहीं है कि आप व्याकुल हो जाओ। जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हो वैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी सी भी लालसा है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल की डेफिनेटली सेवा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, जय श्री कृष्णा, हमने भगवद गीता पढ़ी है पर उसके श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं, नहीं आए, कृपया आप बताइए, जय श्री कृष्णा। तो अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है और आपको श्लोक समझ में नहीं आते, तो उनका हिंदी वर्जन भी आता है, गीता प्रेस वालों की भगवत गीता है जिसपे कम्प्लीटली हिंदी वर्जन है, तो आप वो हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराध्या राठौर जी का, उन्होंने पूछा है, आप स्वास्तिक कैसे बनाते हो, बताने की कृपा करें। तो जो ये मेरा स्वास्तिक है, शायद मैं इस समय पे फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा स्वास्तिक आपको उल्टा दिख रहा होगा, वैसे ये मेरा स्वास्तिक उल्टा नहीं है, ये जो मैं स्वास्तिक बनाती नहीं हूँ, ये मैंने परमानेंटली टैटू अपना विशुद्धि चक्र है, मतलब ये जो हमारा वोकल कोड होता है, वोकल कोड, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं योग की लैंग्वेज में, अध्यात्म की लैंग्वेज में, तो ये मैंने विशुद्धि चक्र पे परमानेंटली टैटू स्वास्तिक का बना रखा है। हाँ मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए ये स्वास्तिक आपको उल्टा जरूर दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस जी का मैसेज है, तो वो कमेंट है, वो कहते हैं, राधे राधे मैम, मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल है, किसी ने बताया है कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल भी लेने चाहिए, तो क्या मैं परिवार में किसी को दे दूं, मैं दोनों की सेवा कर लूं, मैम प्लीज बताइए। अगर आपके घर पे एक छोटा सा बच्चा है तो आप अपने बच्चे को किसी के दे सकते हो? नहीं ना। तो लड्डू गोपाल भी आपके बच्चे की तरह ही होते हैं। मान लीजिए वहां पे आपके बच्चे की सेवा नहीं हुई, तो आप दोनों की सेवा कीजिए ना। हाँ अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो आपके लड्डू गोपाल की सेवा जो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से, तो आप उसको दे सकते हैं। बाकी अगर आप बड़े लड्डू गोपाल लेके आना चाहें तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप छोटे लड्डू गोपाल की भी सेवा करिए साथ में, उनको घर से मत भगाइए, उनको किसी को देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैंने आपसे बोला ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल के जाते के साथ ही पता नहीं हमारे भाग्य की कौन सी लकी चली जाती है और हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है, न जाने उनके भाग्य से हमारे घर में पैसा आ रहा हो, उनके भाग्य से हम भाग्यशाली हो, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मोंटी कुमार का क्वेश्चन है, दीदी जब भी गुरु मंत्र का जाप करती हूँ बहुत कष्ट आ जाता है, क्या करूँ?
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी समझ लीजिए कि मंत्र अगर मंत्र का उच्चारण अगर हम सही कर रहे हैं तो वो मंत्र का साइड इफेक्ट नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए हम कोई मंत्र का उच्चारण है वो गलत कर रहे हैं, किसी मंत्र का उच्चारण हम गलत कर रहे हैं तो वो मंत्र सकारात्मक प्रभाव देने की जगह हमें नकारात्मक प्रभाव देगा। तो आपको इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना है कि आप मंत्र का उच्चारण सही करें। जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है, जो भी मंत्र आपने गुरु ने दिया है, मेक श्योर आप उसको लिखवा लीजिए, लिख के फिर उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। क्योंकि जल्दी जल्दी में जब गुरु मंत्र देते हैं तो आधा तो समझ में भी नहीं आता है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। और अगर आप मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो आप उस मंत्र को स्किप करके, उस मंत्र को छोड़ के आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र है। अगर आपको भगवान शिव का मंत्र मिला है तो आप महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। छठ अक्षरी मंत्र, ये बहुत पावरफुल मंत्र है, तो आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपको कृष्ण का मंत्र का जाप मिला है तो महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव मंत्र दे रखा है आपके गुरुजी ने तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप एक बार जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण गूगल पर, यूट्यूब पर कृपया करके जरूर देखिए। अगर उच्चारण गलत है तो मंत्र अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपको देने लग जाएगा, वो आपको नकारात्मक प्रभाव देने लग जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है मोहन जी। तो चलिए आगे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हरि बोल राधे राधे दी, कहते हैं कि ब्रज धाम की रज को भी बिहारी जी से दूर नहीं करना चाहिए, फिर हम ब्रज की रज लेके आ सकते हैं क्या? देखिए, वृंदावन धाम में बिहारी जी के पास, अगर बिहारी जी के पास तो समुद्र का गोता है, बिहारी जी के पास समुद्र है, उसमें से एक आधी बूंद पानी अगर हमने ले लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उससे, कोई ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव होना कम पड़ जाएगा, उसका असर होना कम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना, मैंने ये कभी किसी संत के मुख से सुना है, ना ही मैंने आज तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ा है। बेशक मैंने संतों के मुख से ये सुना है कि ब्रज रज की महिमा अपरंपरा है, ब्रज रज का एक कण आपको नित्य अपने मुख में डालना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम श्रीधाम वृंदावन में नहीं रहते हैं तो ब्रज रज का एक कण नित्य अपने मुख में कैसे डाल पाएंगे? नित्य अपने मुख में तो आप तभी डाल पाएंगे ना जब आप ब्रज रज आपके पास होगी। अगर आप वृंदावन में रह रहे तो चलिए आपने उठा के डाल ली, अगर आप वृंदावन में नहीं रह रहे तो ब्रज रज का एक कण रोज कैसे डाल पाएंगे? आपने हजारों संतों के मुख से सुना होगा कि ब्रज रज का एक कण अपने मुख में अवश्य डालिए नित्य, क्योंकि वो भगवान के चरणों की रज है। तो आप बताइए कैसे डालोगे अगर आप श्रीधाम वृंदावन में नहीं रहे तो? ये बात एकदम मैं इसको निषेध करती हूँ, गलत साबित करती हूँ कि ब्रज रज भगवान से दूर नहीं करने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रज रज आप लेके आ सकते हैं। बकायदा मैंने अपने गुरुजी से इसके बारे में पूछा था, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ब्रज रज लेके आ सकते हैं। चलिए, रोशमी जी का मैसेज है, वो मुझसे पूछ रही है, दीदी दीक्षा नहीं ली है सिस्टर मैंने, कौन सा मंत्र का जाप कर सकती हूँ? वैसे मैं दिन से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ, तो प्लीज रिप्लाई। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, ये मैंने पहले भी आपको आंसर दिया है कि अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, आप महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप भगवान शिव का षट अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और भगवान विष्णु का षट अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप मन से होता है, तो मैं गायत्री मंत्र को थोड़ा सा, वैसे बहुत पावरफुल मंत्र है गायत्री मंत्र भी, लेकिन अगर आप मौखिक जाप कर रहे हो तो आप इन मंत्रों का उपयोग करिए। अगर आप मौखिक जाप नहीं करके मानसिक जाप करते हो तो गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा मंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मैसेज आया, दीदी मेरे लड्डू गोपाल भाई का पैर टूट गया, वो अपने लड्डू गोपाल को भाई मानती थी और उनका पैर टूट गया, तो आप उन पे पलस्तर चढ़ा सकते हैं, घर पे भी चढ़ा सकते हैं, और आप उनको कृपया करके विसर्जित मत कीजिए। पैर टूटने का अर्थ ये नहीं है कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं, पैर टूटने का अर्थ कदाचित भी ये नहीं है कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए, तो कृपया कर
उनका पैर टूट गया तो पलस्तर बांध के या फिर कोई कपड़ा बांध के उनकी नित्य सेवा अर्चना वंदना वैसे ही कीजिए जैसे आप करते थे। एक क्वेश्चन है लड्डू गोपाल भक्त, दीदी निधिवन में जो मेहंदी मिलती है उसका क्या करें? उसको अपने अपने हाथों पे लगाइए, निधिवन का सिंदूर अपने मांग में भरिए, आपका सौभाग्य अखंड होता है। आप मुझसे बिहारी जी नाराज है, आप कहो ना मान जाए। देखिए गोविंद जी, बिहारी जी नाराज नहीं है आपसे। बिहारी जी कहते हैं कभी मुझसे मिलने आओ, हमेशा मांग में आते हो। मैंने आज भी, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं जब बिहारी जी के मंदिर में गई थी तो एक अम्मा जी आंखें बंद करके ऐसे हाथ उन्होंने ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना ठीक उन्होंने वैसे ही हाथ कर रखा था और भगवान से कुछ मांग रही होंगी भगवान जी ऐसे ऐसे वो कर रही थी। मैंने उनको पूजा के बीच में ही टोका, उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मैया, कह रही हाँ, मैंने कहा मैया दर्शन करने आई हो? कह रही हाँ। मैं कहाँ से आई हो? कह रही राजस्थान से। मैं कहा मैया दर्शन करने आई हो तो अपने नेत्र क्यों बंद कर रखे हैं? जब भगवान के नेत्र खुले हैं तो आप भी अपने नेत्र खोलिए और भगवान के नेत्र से नेत्र मिलाइए। अरे दर्शन करने आए हो तो दर्शन करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कभी कभी मिलने भी जाया करो, हमेशा मांगने ही जाते हो। जिस दिन आप मिलने जाओगे उसकी बात ही अलग होगी। मिलने भी जाया करो, हमेशा मांगने जाते। जी एस का मैसेज है, मुझे पता था मैम, मेरे गुरु भगवान भगवान जो कि मैंने उनको सामने से नहीं देखा पर मैं गुरु जी ही हैं, उन्होंने रज की महिमा बताई थी, उसका एक कण रोज खाना चाहिए। बिल्कुल एक कण ब्रज रज का रोज और रोज खाना चाहिए। मुस्कान का मैसेज है कि दीदी लड्डू गोपाल जी को नहाए बिना उठा सकते हैं क्या? रिप्लाई में नहीं, आपको नहाना बहुत आवश्यक है। आप लड्डू गोपाल को बिना नहाए नहीं उठा सकते, आपको पूरी तरीके से शुद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपको पवित्र होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको लड्डू गोपाल को वो कोई खिलौना नहीं, देखिए मान लीजिए वो आपका बेटा है, आपका भाई है, लेकिन है तो वो भगवान का एक स्वरूप, तो आपको पवित्र होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपको नहाना आवश्यक है। अनामिका जी का मैसेज है, दीदी आपकी कहानी सुनकर मेरी आंख भर आई है, आप होम टूर कराइए और दी मैं भी आपके वहां रहना चाहती हूँ, आपसे संपर्क कैसे करूँ बताइए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि जो वृंदावन में आपका आश्रम है, जो आपका घर है, हम उसमें रहना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने एक जीमेल आईडी आप लोगों को मेंशन करूंगी, आप उस जीमेल पे मुझे मैसेज कीजिएगा। जिस डेट पे आप लोग आना चाहते हो उस डेट का आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर उस डेट पर मेरा वो नीचे वाला खाली होगा, खाली इन द सेंस कोई ना कोई आके वहां पे रहता है, तो अगर उस डेट पे खाली होगा तो मैं डेफिनेटली आपको एड्रेस सेंड करूंगी और अपना नंबर सेंड करूंगी, आप उस नंबर पे संपर्क करके जाइएगा और वहां पे पड़ोसियों के पास चाबी रहती है, वहां पे चाबी लेके आप वहां पे रह सकते हैं। बकायदा रहने का कोई चार्ज नहीं है, बिजली का कोई चार्ज नहीं है, वहां पे पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्योंकि मैं भगवान जितना मेरे से हो सकता है, मैं अभी भी दोबारा से आपसे कहूंगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। ऐसी है कि मैं बहुत दिनों से वृंदावन में घर देख रही हूँ, आप गाइड कर सकते हो? अभी तक किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस बार जब वृंदावन धाम जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि दीदी तीन चार एक दो घर हमारे लिए भी देख के रखिएगा, तो मैं एक दो घर जो हमारे आस पड़ोस में बिक रहे होंगे मैं जरूर उनसे संपर्क करूंगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि हमारे आस पड़ोस में भी एक दो मकान बिक रहे हैं, तो एक दो मकान जो हमारे आस पड़ोस में बिक रहे हैं मैं उनसे संपर्क करके आप लोगों को उनका नंबर दे दूंगी, आप लोग आपस में उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और भी मैं लोगों से बात करूंगी क्योंकि वृंदावन में मैं 3-3.5 साल लगातार रही हूँ, तो वृंदावन में बहुत अच्छे संपर्क हो गया है, मेरी जान पहचान काफी ठीक ठाक हो गई है, तो और भी जगहों पे मैं संपर्क करूंगी और आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करूंगी, आप लोगों को मकान दिलाने की, घर दिलाने की। सुशांत जी का मैसेज है, राधे राधे दीदी, मैं तुलसी माला पहनना चाहती हूँ, तुलसी माला पहनने के क्या नियम है प्लीज मुझे बता दीजिए? तुलसी की माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं? क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तुलसी माला पहनकर आप क्या नियम निभाती बताइए। देखिए तुलसी माला पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी ने मुझसे बोला था कि दीदी हमारे घर पे सूतक लगा हुआ है तो हमने तुलसी माला उतार दी। अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, मतलब किसी गुरु से आपने मंत्र लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली हुई है, तो गुरु जी की दी हुई माला जो आपने गले में धारण करी हुई है, जो गुरु जी से आपने ली है, वो सूतक पातक में भी खंडित नहीं मानी जाती है, सूतक पातक में भी अशुद्ध नहीं मानी जाती है। नंबर दूसरी बात, तुलसी माला जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद ही पहने, तुलसी माला कोई भी पहन सकता है, कभी भी पहन सकता है। हाँ, अगर आप एक दिन, जैसे कि मान लीजिए
आप तुलसी माला लेके आए हैं कल, तो आज आप उस तुलसी माला को भगवान को समर्पित कर दीजिए। उस तुलसी माला में थोड़ा सा घी लगाइए, घी लगाने के बाद आप भगवान जी के गले में पूरे दिन पहना के रखिए, रात को उनके पास ही छोड़ दीजिए और अगले दिन उस तुलसी माला को धारण कर लीजिए। मैं आपको कुछ विशेष दिन बता रही हूँ जिस दिन तुलसी माला आप अगर धारण करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। महीने में दो एकादशी आती है, आप उन दोनों एकादशी में से भी तुलसी माला कभी भी धारण कर सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। तुलसी माला पहनने के बाद केवल एक नियम है जिसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि जनेऊ होता है जब हम सोच आदि के लिए जाते हैं तो यहाँ पे बांधते हैं, ऐसे तुलसी माला का कोई नियम नहीं है। आप कहीं भी तुलसी माला को पहनकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके गुरु ने वो तुलसी माला नहीं दी तो सूतक पातक में तो वो तुलसी माला जो होती है वो अपवित्र हो जाती है। आपको घर पे अगर सूतक है पातक लगा तो आपको वो तुलसी माला चेंज करनी पड़ेगी। उस तुलसी माला को चेंज करके आप दूसरी तुलसी माला जब सूतक पातक खत्म हो जाए तब आप पहन सकते हैं। क्या तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? बिल्कुल, आप तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ना ही किसी ग्रंथ में कोई मनाही है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से ये वाली बात बोली थी और उनका वृंदावन में बहुत नाम है, पद्मश्री से सम्मानित है वो, तो उन्होंने बकायदा ये चीज बोली थी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो पहन के आप तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज नहीं खा सकते, आप कभी भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन मेक श्योर आपको लड्डू गोपाल को तुलसी माला जरूर और जरूर धारण कराना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि खंडित तुलसी माला का क्या करें? खंडित या फिर अशुद्ध तुलसी माला को आप जो आपके देव वृक्ष हैं, सात हमारे देव वृक्ष हैं, जैसे कि आंवला का हो गया, पिपल का हो गया, जैसे कि बरगद का हो गया, तुलसी का हो गया, ये हमारे सात देव वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। आप अगर आपकी तुलसी माला टूट गई है, आपकी तुलसी माला खंडित हो गई, तो आप उनमें गड्ढा कर वो तुलसी माला उसके अंदर दबा दीजिए। तुलसी माला को आपको ये करना है। वृंदावन वासी तो क्या करते हैं, जब मैं वृंदावन में थी तो तुलसी माला को यमुना जी में प्रवाहित करके आ जाती थी। अब यमुना जी में, यहाँ पे तो यमुना जी है नहीं, तो कोई भी देव वृक्ष में आप गड्ढा करके दबा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम जी का मैसेज है, दीदी मुझे भी वृंदावन में घर लेना है, प्लीज क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। मैं बहुत सारे, मेरे पास ये मैसेज आए हैं कि दीदी मुझे वृंदावन में घर लेना है, वृंदावन में घर लेना है, वृंदावन में घर लेना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बार जब वृंदावन जाऊंगी, कुछ दिनों बाद ही मैं वृंदावन जाने वाली हूँ, शादी के बाद मैं गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई थी, कुछ दिनों के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन जाने वाली हूँ और वहां पे मैं कम से कम 10 से 12 घर ढूंढ के रखूंगी और उनके कॉन्टेक्ट नंबर जो भी वो सेल आउट करूंगी वो आप लोगों को दे दूंगी। पूरा यकीन करके आप वो मकान परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ मैं उसी एरिया में ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलोनी है तो वो एकदम सेफ है, वहां पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। राधे राधे। नंदिनी जी का मैसेज है कि दीदी मेरा बहुत ज्यादा मन होता है वृंदावन जाने का, आप एक बार अर्जी लगा लो, मुझे वृंदावन बुला ले। मैं इस बार बिहार जी जाऊंगी तो अपने पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से भगवान से दुआ करूंगी कि मेरे यूट्यूब परिवार में जितने भी लोग हैं, मेरा जितना भी परिवार, जितना भी सदस्य है यूट्यूब का, सबको बिहारी जी जरूर बुलाएं और इतना बुलाएं कि आप वहां पर जाके गोवर्धन की, बरसाने की, वृंदावन की, गोकुल की, रमन रीति सबकी परिक्रमा करके आए, इतने देर तक बिहारी जी आपको बुलाएं। मेरी मन से दिल से ये कामना है और मैं बिहारी जी से एक बार ये अरदास जरूर करूंगी कि मेरे यूट्यूब परिवार, और इस बार अगर मैं बिहारी जी जब जाऊंगी तो मैं अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से परिक्रमा खुद करूंगी और आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ूंगी और आप भी फील कीजिएगा कि वो परिक्रमा मैं अपने यूट्यूब परिवार के नाम की कर रही हूँ। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक मैसेज आया, दीदी आप वीडियो बनाते वक्त इतना उछलते क्यों हो, कूदते क्यों हो, टेढ़े मेढ़े होते क्यों हो? तो भैया मेरे कन्हैया का, मेरा कन्हैया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा चंचल स्वभाव का है, एक बड़े नटखट कन्हैया जी है और मैं उनकी भक्त हूँ जो बड़े नटखट है, जो एक जगह पे कभी टिक्के नहीं बैठते हैं, जो टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, नटखट हैं, उनके पास कितनी परेशानियां आई लेकिन वो सदा ही मुस्कुराते रहे। उन्होंने वृंदावन सबसे पहले वृंदावन, बचपन में उनके माँ बाप छूट गए लेकिन वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। 7 बरस के हुए तो उनके पालन हाथ, जिन्होंने उनको पाला वो छूट गए लेकिन वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। अपनी मैया को छोड़कर वो उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। मथुरा और वृंदावन छूट के वो द्वारका चले गए, वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। राधा छूट गई, वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। तो सोचिए, वो हमेशा हर चीज को मुस्कुराते हुए
और हमेशा मुस्कुराकर ही लेते थे, तो इसलिए मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ। तो मेरा भी मन बिल्कुल कन्हैया में डूबा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरे को मेरे बाल गोपाल की छवि दिखाई देती है आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा बाल गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरे बिहारी जी मेरे यहाँ पे वास करता है, यहाँ पे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने दुनिया में रिश्ते बड़े कम बनाए हैं। ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक लड़की नहीं हूँ, ना तो मैं ससुराल की तरफ से इतनी ज़्यादा पारिवारिक हूँ कि मैं बहुत दूर दूर के रिश्तों को साथ लेके चल सकूँ, ना मैं मायके की तरफ से इतनी ज़्यादा पारिवारिक हूँ कि मैं बहुत दूर दूर के रिश्तों को साथ लेके चल सकूँ। मैं ज़्यादा पारिवारिक नहीं हूं क्योंकि मैंने रिश्ता उससे जोड़ा है जिससे जो ना मुझे कभी धोखा देगा, जो ना मेरी कभी लगन तोड़ेगा, जिसके पास मैं कोई बात बोल देती हूं तो वो आगे जाने की कोई चांसेस नहीं होते। मैंने रिश्ता दुनिया वालों से नहीं, मैंने रिश्ता परमात्मा से जोड़ा है, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये भी बोलती हूँ कि आप भी रिश्ता ऊपर वाले से जोड़िए, जो मरने के बाद आपके साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चेतन जी का मैसेज है, चेतन, आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू सम इंक्वायरी दैट माई मदर, हाउ कैन वी कनेक्ट, सी वॉन्ट टू सेटल डाउन इन वृंदावन। तो उनको मेरे से कनेक्ट होना है, मैं इस वीडियो के नीचे अपनी जीमेल आईडी आपको जरूर दूंगी, आप उससे कनेक्ट कीजिए। मैं चाहूँ तो नंबर भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ कि बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आएंगे फिर, और बहुत सारे फ़ोन आएंगे तो ना मेरी पूजा पाठ हो पाएगी, ना मेरी अर्चना वंदना हो पाएगी, ना मेरे ग्रंथ पढ़ पाऊंगी, और ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगी। इसलिए मैं जीमेल आईडी दूंगी, आप मेरे से जीमेल पर संपर्क कीजिएगा और मैं आपकी वहाँ पर जितनी मेरे से संभव हो पाएगा हम कोशिश करेंगे। बबीता जी का मैसेज है, हमारे यहाँ पे नॉन वेज बनता है तो क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके यहाँ पे नॉन वेज बनता है तो ये तुलसी माला का नियम है कि सात्विक भोजन खाओ, सात्विक नहीं तो आप लहसुन प्याज तक का भी सेवन कर सकते हो, लेकिन आप तुलसी माला नॉन वेज वाली नहीं खा सकते हैं। तो कमलेश जी का मैसेज है, राधे राधे सिस्टर, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर वृंदावन में बन जाए, आप बिहारी जी के चरणों में मेरी तरफ से विनती जरूर करिएगा। मैं जरूर और जरूर बिहारी जी के चरणों में आपकी तरफ से विनती जरूर करूंगी, पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से विनती करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, अगर कोई विश्वास नहीं है और एकादशी का व्रत करना चाहे तो कर सकता है क्या? बड़ी बड़ी एकादशी कर सकते हैं? सभी का व्रत रखना जरूरी है, प्लीज मुझे बताइए, हेल्प मी। देखिए, आपको महीने में केवल दो ही एकादशी आती है, इससे ज्यादा महीने में एकादशी नहीं आती, तो महीने में दो बार व्रत रखने में क्या परेशानी है? महीने में दो बार आप एकादशी का व्रत रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात, तो मैं पीरियड्स में भी एकादशी का व्रत रखती हूँ। हाँ, मैं एकादशी की कथा नहीं पढ़ती, मैं अगर पढ़ूंगी भी एकादशी की कथा तो फिर मैं अपने YouTube चैनल पे ही पढ़ूंगी, या फिर गूगल या जीमेल, गूगल से देख के पढ़ूंगी, मतलब ऑनलाइन पढ़ूंगी, या फिर मुझे याद है मैं वो पढ़ती हूँ। मैं मंदिर के पास नहीं जाती पीरियड्स में, लेकिन व्रत जरूर रखती हूँ। तो दो ही एकादशी आती है, तो आप एकादशी का व्रत जरूर रखिए। शास्त्र कहते हैं कि बेशक दिन भर चलो, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ खाओ जो एकादशी का होता है, लेकिन फिर भी एकादशी जरूर और जरूर करो। अगर कोई परेशानी आती है तो आप डेफिनेटली एकादशी व्रत छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। जैसे कि मेरे भाई की शादी में एकादशी थी और उस टाइम पे मुझे डेंगू था तो मुझे दवाई खानी थी, तो मैंने उस टाइम पे एकादशी का व्रत छोड़ा था, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी पे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, जैसे कि कोई पे बहुत ज्यादा विपदा आ रही है, तो आप अपना थोड़ा सा पुण्य उसको दे सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं अपनी एकादशी इसको दे रही हूँ। जैसे कि एक बार की बात है, मेरे मायके में एक कुत्ता था, वो कुत्ता बहुत ज्यादा बीमार था, तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि अपनी एक दो एकादशी का व्रत का पुण्य इसको दे दो, या और मैं भी अपनी एक दो एकादशी की व्रत का पुण्य इसको दे दूं, ताकि ये मोक्षगामी हो सके, ये भगवान को प्यारा हो सके, कम कष्ट पाके। तो मैंने मन ही मन में और मम्मी ने मन ही मन में एक संकल्प किया था, वो संकल्प ये था कि हम अपनी एक दो एकादशी का पुण्य इसको दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही अपने एकादशी का पुण्य किसी को दे भी सकते हैं। क्या निधि वन की रज साथ लेके आ सकते हैं? निधि वन की रज बहुत 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 ज्यादा अच्छी होती है, आप निधि वन की रज जरूर साथ में लेके आइए। मैं राधे राधे जय श्री कृष्णा, ये क्वेश्चन प्रतीक जी ने मुझसे पूछा था। दीक्षा जोशी का मैसेज है, राधे राधे दी, माला जाप
कैसे करते हैं प्लीज बताइए, कौन से मंत्र की माला जाप करते हैं, माला जाप कैसे करते हैं वो मैं आपको माला जाप कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं माला लेके बैठूंगी कि माला जाप कैसे करते हैं, मंत्र कौन सा करते हैं, या तो आपके गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा हो आप वो मंत्र कीजिए, अगर आपके गुरु जी ने मंत्र नहीं दे रखा तो फिर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय लड़के इस मंत्र का और लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप कर सकती हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ये कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बिना गुरु दीक्षा के भी आप इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और बाकी माला कैसे जपते हैं इसके बारे में मैं माला झोली लेके बैठूंगी तो डेफिनेटली जल्दी से एक मैं वीडियो बनाऊंगी। राधे राधे दी, क्या रेट है प्लीज आप बताइए। रूबी कुमारी, वृंदावन में जमीन का अपना एक अलग अलग रेट है एरिया के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में बहुत सारे साउथ दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, तो हर जगह के रेट अलग अलग है। ठीक ऐसे ही वृंदावन में हर जगह के रेट अलग अलग हैं। मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि वृंदावन में आपको 25 गज का प्लॉट 11 लाख से लेकर और 45 लाख तक में भी मिलेगा और 11 लाख में भी मिल जाएगा। 25 गज का प्लॉट आपको 11 लाख में भी मिल सकता है और 45 लाख में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कौन से एरिया में रह रहे हो, लेना चाह रहे हो। एक मैंने प्लॉट देखा था वो 42 गज का मकान बना हुआ था, दो मंजिल बना हुआ था नीचे और ऊपर, और वो 18 लाख में दे रहे थे। हमारे से थोड़ा सा आगे एक प्लॉट है वो 15 लाख में दे रहे थे, अब तो वो बिक गया। तो ऐसे ही मैंने जब अपने लिए प्लॉट देखे थे तो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि इतने इतने में वो प्लॉट मिल रहे थे। मैं आपको डेफिनेटली 2-3 मकान, बने बनाए मकान भी और प्लॉट भी देखकर आप लोगों को जल्दी संपर्क करती हूँ। मैं 10 दिन के लिए वृंदावन जाऊंगी क्योंकि भाई की शादी में मैं अगले महीने वृंदावन नहीं जा पाई थी, तो मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है वृंदावन जाने के लिए। मन में बड़ी बेचैनी हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी वृंदावन धाम जा सकूं। राधे राधे जी, क्या हम गृहस्थ की तुलसी माला पहन सकते हैं क्या गृहस्थ जीवन में? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा तुलसी माला पे कहीं नहीं लिखा कि जो लोग साधु संत हैं कि वो तुलसी माला पे उनका हक है। भगवान पे साधु संत का भी हक है, भगवान पे गृहस्थ लोगों का भी हक है। माँ मीराबाई की कहानी तो आपने सुनी थी, वो भी गृहस्थ जीवन में थी। तो तुलसी माला कोई भी धारण कर सकता है। शिव जी का मैसेज है, प्लीज दीदी बताइए कि हम कितने दिन से पूछ रहे हैं कि पीरियड्स के समय लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। पीरियड्स के समय लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, इस पे मैं कम से कम 4 वीडियो बना चुकी हूँ। कम से कम 4 वीडियो आप लगातार मेरी वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो के एंड ऑफ स्क्रीन में उन तीनों वीडियो का वर्णन दे दूंगी कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता जी का मैसेज है, क्या तुलसी की माला पहन के पराजित खा सकते हैं? ये मेरे को पता ही नहीं है कि पराजित क्या होता है। तो सॉरी, पहले मुझे बताइए कि पराजित कोई सब्जी है क्या ये पराजित, तो तभी मैं आपको आगे बताऊंगी। गोवर्धन परिक्रमा में टॉयलेट वगैरह कैसे करें? गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर टॉयलेट की सुविधा सरकार ने बना रखी है, 2-3 जगह शौचालय आराम से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो तो वृंदावन की पूरी परिक्रमा में आपको कहीं भी शौचालय नहीं मिलेगा, एक जगह शौचालय मिलेगा मात्र वृंदावन की परिक्रमा में। लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा में 4-5 जगह ऐसी है यहाँ पे शौचालय की सुविधा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस जाइए, अपने आप को आप बिहारी जी के पास छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को बिहारी जी के पास छोड़ दोगे ना, तो डेफिनेटली आप सब कुछ वो पार करेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधे राधे, मेरे लाला की वैजयंती माला टूट गई है, मैं क्या करूं? अगर आपके लाला की वैजयंती माला टूट गई है तो आप तुलसी का जो पौधा होता है उसमें थोड़ा सा गड्ढा करिए, उस गड्ढे में उस तुलसी वैजयंती माला को दबा दीजिए। आप सप्त वृक्ष जो आपके हैं उनमें से किसी पे भी वैजयंती माला दबा सकते हैं। राधे राधे जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैम, हमारी फैमिली में सूतक लगा है, देवरानी की बेटा हुआ है, तो अब मैं कब पहनूं तुलसी माला? जब वो सूतक खत्म हो जाए तो आप तुलसी माला पहन सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। जरूरी नहीं है आप उस तुलसी माला को, उस वाली को तुलसी माला को आपको त्यागना पड़ेगा जो आपने पहन रखी है, उसी तुलसी। सोनम जी का मैसेज है, वृंदावन धाम में छोटा मोटा काम मिल सकता है जिससे वहां रहने में आसानी हो जाए, लड़कियों के लिए कोई रहने की जगह आश्रम हो तो बताइए। देखिए
लड़कियों के लिए कोई रहने की जगह आश्रम, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और एक लड़की होने के नाते मैं आपको ये एडवाइस भी नहीं दूंगी कि आप किसी भी आश्रम में रहिए। तो और रही काम की बात, तो वृंदावन जो चलता है वो टूरिस्ट प्लेस है, वृंदावन एक तो वृंदावन टूरिस्ट लोगों से ही चलता है। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप वहाँ पे आपको कोई काम मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। हाँ, वृंदावन में अगर लड़कियाँ कोई काम करना चाहें तो उनको अगर सिलाई आती है तो वो बिहारी जी के वस्त्र सिल सकती हैं, लड्डू गोपाल के वस्त्र जरूर सिल सकती हैं, और उन वस्त्रों को फिर ऑनलाइन या फिर कैसे भी बेच सकती हैं। तो बाकी मेरे को इसके बारे में जानकारी है नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रेणु जी का मैसेज है, हरे ना बहन, क्या आपने गुरु दीक्षा ली है या तुलसी माला ऐसी पहन सकते हैं? बिना गुरु के भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको गुरु दीक्षा लेना, आप बिना गुरु दीक्षा के भी तुलसी माला पहन सकते हैं। तुलसी गोविंद जी का मैसेज है, तुलसी माला खंडित हो जाए तो क्या करें? अगर तुलसी माला खंडित हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी तुलसी माला खंडित होगी तो सप्त पौधों में आप गड्ढा करके उसमें आप तुलसी माला गाड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम जी का मैसेज है, बिहारी जी का कृपा का संकेत कैसे जाने? जब बिहारी जी आपको वृंदावन बुलाने लग जाए तो समझ लीजिए कि बिहारी जी की कृपा आप पे हो रही है और बिहारी जी आपको बुला रहे हैं। जब आंखें बंद करते केवल बिहारी जी का स्वरूप आपके मन में आने लग जाए तो समझ लीजिए बिहारी जी आपको संकेत दे रहे हैं। जब आपके घर पे तुलसी बिना सूखे चलने लग जाए तो समझ लीजिए आप पर बिहारी जी की कृपा हो रही है। जब आप बिहारी जी की छवि देखे, जब आप बिहारी जी लड्डू गोपाल की मूर्ति देखे, अगर वो मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखने लग जाए तो समझ लीजिए बिहारी जी की कृपा आप पे बनी हुई है। अगर आपको सपने में रात को बाके बिहारी जी या फिर भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भी स्वरूप दिख रहा है तो समझ लीजिए आप पे बाके बिहारी जी की कृपा बनी हुई है। अगर गौ माता आपको रास्ते में रोज दिखने लग जाए तो समझ लीजिए आप पे बिहारी जी की कृपा बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे संकेत है। सुनीता जी का मैसेज है, हरे कृष्णा मैम, मेरा हरिद्वार में अपना मकान है बिहारी जी की कृपा से, किंतु हम वृंदावन में भी एक मकान बनाना चाहते हैं, सुटेबल जगह बताइए। सुटेबल जगह अगर आप चाहते हो तो कैलाश नगर सबसे अच्छा एरिया है और रुक्मणी बिहार बहुत अच्छा एरिया है। इन दोनों बिहार, चैतन्य बिहार, रुक्मणी बिहार, कैलाश नगर पे मैं प्रेफर करूंगी। आप तीनों जगहों में से कहीं भी अपनी जगह बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं जल्दी इसका नोवा पार्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देती हूँ। अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी है श्रीधाम वृंदावन को लेके, बरसाने को लेके, या फिर भगवान की पूजा पाठ से संबंधित किसी भी चीज़ को लेके कोई इंक्वायरी है और आपको लगता है कि मैं उसका आंसर सही तरीके से दे सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार और अपने गुरु जी से पूछकर आपको एकदम उचित मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।